आप आइए अंदर। मैं स्टूडियो गई थी, बैठिए। वहां एक ऐड चल रहा था। मालूम है, कोई इनर गारमेंट्स की है। जब मेरे को पता चला कि लीजा है, मैं माला को काम सौंप के निकल पड़ा। उसने शुरू में बहुत चिल्लाई, फिर वो बहुत रोई। उससे इसे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? मुझे और कोई नहीं है इसे बात करने के लिए। उनका शादी करवाना चाहिए, वही सही होगा। ये मॉडल गर्ल्स को एक पीरियड है, एक्चुअली तितलियों की तरह है। उसके बीच में सेटल होना चाहिए। फिल्म स्टार्स के जैसे नहीं है, उनको तो हर वक्त कोई ना कोई किरदार मिलते ही रहेंगे। देखा, अगर पहले होता तो लिसा ऐसे एक ऐड के लिए नहीं मानता। अभी किसी भी तरह की ऐड के लिए तैयार है। वो खतरनाक है। अपने बड़ा साहब के पीछे बहुत सारे डेंजरस आदमी भी हैं। मुझे मालूम है। आप एक्चुअली घर जाना चाहिए पहले की तरह। वो जितने भी खराब व्यवहार आपसे करे, आप सीरियसली ना लेना। लिसा को सेटल करना चाहिए। काफी डिसेंट सेविंग्स है ना आपके हाथ में अभी? हाँ है। जरूरत पड़े तो मैं दूंगा। नो, डरना मत, आपसे मैं वापस लूंगा। कुछ मल्टीनेशनल एड्स आए हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज के एड के लिए बहुत डिमांड है। ये किसने बताया? हाँ, मुझे पता है। वो गुरुजी है ना, प्रदाब को जो स्टोरी बोर्ड भेजा था उनको पसंद आया। वो डायना को बड़े साहब को प्रोजेक्ट मिलेगा क्या? बता नहीं सकते, करोड़ों का खेल है। उससे पहले उसको उठाना है ना अशोक। अरे मेरे भगवान, ये प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? गुरुजी पहला मार मेरे को मारेंगे, उसके बाद कुछ नहीं बोल सकते। अगर सच्चाई गुरुजी को पता चला तो वो स्टूडियो छोड़ के चले जाएंगे। डायना को जब लाया वही था बड़े साहब के साथ एग्रीमेंट। वो भी नहीं, सुनने को मिला है कि दोनों के बीच में कोई लफड़ा भी है। हे, एक गुरुजी जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। बहुत सारे लोग जिनके पास आइडिया है उनके पास कोई काम नहीं है आजकल, लेकिन इनके जैसे एक भी कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स फिर भी आएंगे, बता देना उनको। सर जी, कुछ तो टेक्निक निकालना सर जी आप। मेरे को और बड़े साहब को कुएं में नहीं ढकेलने का। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ, उसके पहले उनको बता देना। सुनो तुम, क्या सोच रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो बता देना, हम चले जाएंगे। नहीं 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 सर। उस अशोक का कितने लाख रुपए तुम्हारे पास है पता है? ये स्टूडियो भी उसी से बना है, बता देना उनको। कोई फायदा नहीं इन बातों को। वो सब मत सोचिए, मैं मान लिया, सच्ची मैं मान लिया सर। घर में नए कपड़े पहने हो? जाओ बदलो, जाओ जल्दी। ड्राई क्लीनिंग गए हो? तुझे क्यों जाना है? ड्राइवर को दे देता तो बस। बेटा तुम रो मत। पापा। मेरा बेटा कुछ नहीं बोलने का। आपके आंखों में देखने की ताकत नहीं है मुझे। ऐसे नहीं बोलना है पापा। कोई भी बाप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका बड़ी बेटियां है। वो सब ठीक है पापा, अभी से सिर्फ अच्छा ही होगा। मैं पापा, अभी कब तक बेटा? आपको मेरे बात सुनना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं होगा पापा। मैं सुन लूंगा, जरूर सुन लूंगा। फंस गया बेटा। शहर में कहीं भी जाओ, वो पहचान वाला चेहरा, पहचानने वाले लोग, हर वक्त स्पॉटलाइट के नीचे। कहां पैर फिसला पता नहीं बेटा।
एक एक करके फिसलने लगा। पहले तेरी माँ, उसके बाद दौलत। इस तकलीफ से मुक्त होने के लिए दारू का सहारा लिया, फिर कभी उससे मुक्त नहीं हो पाया। पापा को माफ कर देना बेटा। ये सब के लिए हमारे पास एक रास्ता है पापा। पापा, लिसा कहाँ है पापा? वो वहां कहीं होगा बेटा। वो अभी पुरानी लिसा नहीं है, वो बहुत बदल गई है। वो दोनों बेचारे हैं, उनको नफरत नहीं करना। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे बिना। वो मुझे पता है पापा, मुझे उनसे गुस्सा नहीं है पापा। कार की आवाज सुनकर ही मालूम हो गया है ओ कौन है कि कैसे ये सब। आप घर में कुछ भी नहीं है। जब मैं स्टूडियो से आती हूँ इसी सुगंध आती है। कि ऐसा क्यों डिस्प्ले किया है तू? मेरे बारे में सभी समय याद रहने के लिए उसे यहाँ रखा हूँ। उसी पेमेंट से ही घर का रेंट भरा, एक महीने रेंट के लिए लैपटॉप भेजा और कुछ बाकियाँ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर पाई मैंने, उन लोगों का पैर चुना पड़ा। दो दिन के लिए एक दिन फल निकला। तुम मुझे एक बार फोन कर सकती थी। माँ को क्या हुआ अभी? सब ऐसे नहीं है, थोड़े दिन से बहुत ज्यादा हो गया। चावल सब है ना घर पे? थोड़ा सा है, मगर गैस खत्म होकर दो दिन हो गया है। लिसा, आप पापा इज हेल्पलेस। माँ भी बहुत हेल्पलेस हो गई है और इस घर का पूरा जिम्मेदारी अभी मुझे ही करना पड़ेगा। और अब मेरे पास पैसा भी है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ रहना है। दीदी, रोना मत। भगवान ने हमें जिंदगी रोने के लिए नहीं दिया है। दीदी, ना जाने उस दिन जो मुंह में आया वो सब बता दिया। अगर आप घर छोड़कर जाने के बाद हम एक दिन भी चैन से सो नहीं पाई। दरवाजे पर अगर छोटी सी शब्द आए तो तुरंत वहाँ जाकर देख लेते हैं हम। किसी ऑटो के शब्द सुना है तो बस माँ दौड़ कर आती थी। हम थोड़ी दिन के लिए यहाँ से शिफ्ट करेंगे। तो माँ और पापा? वो भी, वो दोनों उस हालत में नहीं है दीदी। इतना दारू पी पी के वो दोनों अभी एक दूसरी दुनिया में है। अल्कोहलिक डिप्रेशन, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैंने एक डी एडिक्शन सेंटर का पता लिया है और सभी अरेंजमेंट्स भी किया है। वो लोग जल्दी ठीक हो जाएगा। उन लोगों को डी एडिक्शन सेंटर में भेज दोगी फिर मुझे? मैं हूँ ना तेरे लिए और तुम मेरे साथ आओगे। तैयार हो जा। हाउस ओनर जो है वो यहाँ रहती है, वो है हमारा सेक्शन। आजा। हेलो। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। मोबाइल स्विच ऑफ है क्या? क्या हुआ? हाँ, मैंने स्विच ऑफ किया था। गुरुजी ने भी ट्राई किया था इसलिए उन्होंने मुझे भी फोन किया था। मम्मी और पापा को डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट किया है इसलिए थोड़ा लेट हुआ। कार्तिका, ये कौन है पता है? ये है मेरी छोटी बहन। हाँ मुझे पता है। लिसा, बहुत साल से जानती हूँ उसे और एक साथ एड भी किया है हमने। कहाँ है हमारा स्टार? नेताजी नगर वसंता। ये डुप्लीकेट माल है, ओरिजिनल नहीं है। वो हमें बेवकूफ बना दिया। लोला। हाँ? चाहिए तो एक ग्लास पियो, नहीं तो मेरा पेट दर्द हो जाएगा। मुझे अभी नहीं चाहिए मैडम, लास्ट में पी लूंगी। रानी, आप शुरू किया? आजा आजा बैठ जाओ। आज का वर्क क्या है बताओ? एक लो क्लास एल्बम है। तब तो उसमें प्रोड्यूसर होगा हीरो। सच में ग्रानी? वो कैश दिया क्या? 5,000 दिए। सुपर। एक ही दिन में था ना तुम्हारा शूटिंग का काम? आज लोगों का कितना कुछ है, हमारा जमाने में एक महीने तक शूटिंग करको को भी तो भी हमारा पैसा नहीं मिलता है।
तुम एक बात बताओ, प्रोड्यूसर कुछ मांगा गया क्या? हर बार मांगा है। तो क्या हुआ? मैं उसे चालू से बात की ग्रानी। हाँ, क्या हाल चाल की? मैं उसे उल्लू बनाए और कुछ नहीं। क्या है ये नानी? आप है ना हमारा रोल मॉडल, हम भी ये सब सीख जाएंगे। अभी ये सब देखकर सीखेगा तो मार डालूंगी मैं। रहने दो। अरे वाह, ये कौन है नया अवतार, बताओ? ये है लीजा, मेरी छोटी बहन। ओहो, ये एलिजाबेथ। दोनों का झगड़ा खत्म हुआ, बहुत अच्छा है। हमारा लाइफ तो बहुत छोटा है, किसी से भी हम लोग झगड़ा मत करना, स्पेशली दोनों बहनों के आसपास। सुनो लिसा, तुम शाम को नहाती हो या नहीं? हाँ है ना। मैं आने से पहले नहा कर ही आई थी। फिर भी ज्यादा दूर ट्रैवल किया ना, रोड में सब पोल्यूशन है, मालूम है? पोल्यूटेड का मीनिंग मालूम हुआ? टेंथ स्टैंडर्ड जो है। मैं तुम्हारा कान खींचूंगी। आज का लेसन है क्या? घर के बुजुर्गों लोगों को क्या क्या बात बताते हैं, वो सब छोटे लोगों को अच्छे के लिए। अभी सीख लो, औरत लोगों को तीन गुण सीखना पड़ता है। एक, नाखून से बाल तक शरीर फुल शुचित्व होना चाहिए। दूसरा बात, हमारा शरीर का फुल खुशबू होना चाहिए। तीसरा, औरत लोग ऊंची आवाज में किसी से भी बात नहीं करना चाहिए। ये तीन गुण संपन्नों वाले औरत लोगों को देखने के लिए सौंदर्य भी नहीं लगता, तो भी मर्द लोग वो औरतों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, औरत लोग फुल मेकअप डालकर घूमती है ना। एक बात बताऊं, राउंड फेस, बड़े बड़े आंखें, सफेद चेरी जैसा लिप, लेकिन वो लोग मुंह खोलेगा तो इतना दुर्गंध अंदर से बाहर आएगा, सुनकर सब लोग दौड़ेगा। दूसरा, औरत लोगों को इतना बाल होगा, इतना बाल होगा, उन लोगों के सामने चलकर देखो तो भी दुर्गंध से उल्टे आ जाएगा हमको। इस तरह लोगों के पीछे बेस में खड़े हो जाओ तो भी हमारा जीवित फुल नफरत हो जाएगा। दूसरा, औरत लोगों को इतना सुंदर होगा, हम देख ही रह जाएंगे। वो लोग बात करके देखो तो भी दो मील दूर से आवाज सुनना पड़ेगा। औरत लोग केयरलेस होगा तो भी बहुत दुर्गंध होगा। मैं छोटा करके बता दूंगी, दुर्गंध औरत लोग घर के लिए अच्छा नहीं है। आज का पाठ खत्म हुआ। आप कब सो रही है? मेरे को पुराना विचार ज्यादा ही सोचना पड़ता है। तुम सब लोग किचन में जाकर खाना खाकर सो जाओ। लोला, लिसा, कम। क्या हुआ, डांस करके आती है क्यों है? देखो, अभी आप चार पैक पी चुकी हैं। एक बात और, अभी आपको खाना चाहिए तो पेट में जगह है ना, तो बताओ। इसको हाथ में खाना भी चाहिए। हेलो, हाँ सर, कार्तिका हियर। मैं तैयार हो जाऊंगी, गाड़ी भेज दीजिए। कौन है समय? परसों एक एड होने वाला था, वो कल के लिए प्रीपोन हो गया है। Oh no, डायना के साथ मेरा बहुत सारे प्लान थे। ठीक है, बताती हूँ कि मेरा कल शूट है, तुम आ जाना, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। कम। देखो, मैं फिनिक्स बोल रहा हूँ, मेरे को छुट्टी मिला, टिकट भी कंफर्म हो गया। इस 16 तारीख सुबह 11 बजे मैं वहाँ पहुँचूंगा। दो हफ्ते की छुट्टी है। मैं जब वापस आऊँगा आप रहेगी ना? जरूर फिनिक्स, इट्स माय वर्ड। या
ऑल राइट, गुड नाइट। उनकी बड़ी बहन हाँ बोली मेरी दोस्त। तो क्या तू उसके बहन से शादी करने वाला है क्या? जी हाँ मेरे भाई, वो अपनी दीदी की हिफाजत में है। ओहो, तो मेरे को भी छुट्टी लेना पड़ेगा। लीजा यहाँ आ जा। मैं इस ड्रेस में सुंदर दिखती हूँ? नहीं, बोलो ना दीदी। तुम मुझे हमेशा अच्छी लगती हो। आजा यहाँ बैठो। क्या है ना, हम दोनों को अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। ना बाबा ना, मुझे सुनते ही बहुत डर लग रहा है। लाइफ के बारे में जो कुछ सुनो डर लगती है। मैं तुम्हारी शादी फिक्स करने वाली हूँ। अब वो जरूरी है क्या? माँ और पापा डी एडिक्शन सेंटर में है, 3 महीने का रेंट बननी है। वो अभी मेरी जिम्मेदारी है, तुझे सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है? मगर दीदी। क्या है? तुझसे पहले मैं कैसी? मुझे एक और साल चाहिए, माँ और पापा को सेटल करना है। तब तक मैं भी किसी काम पे लगती हूँ। जो कुछ हमने खोया वो सब पानी है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी नहीं हो जाए तो फेलिक्स को बाद में लीव नहीं मिलेगा, वो पक्का है। फेलिक्स को हमारे बारे में सब कुछ पता है। ये मॉडल्स जो है, लोग सिर्फ उन्हें होर्डिंग्स और स्क्रीन्स में देखना चाहते हैं, वरना सिर्फ एक रात के लिए। शादी करना किसी को पसंद नहीं होगा। फेलिक्स को तुम बहुत पसंद है, इट्स अ बिग थिंग। इस दीदी को मैं पागल कह रही थी। ठीक है, तुम अभी एक काम कर लो, फेलिक्स को एक फोन लगा। नहीं दीदी, मैं नहीं कर सकती, तुम ही कॉल कर दो। तो एंगेजमेंट भी हो गया। डाब देना। आखिर आप कैसे इसे हाँ कहलवाया? वो हमेशा तुम्हें प्यार करती थी, लेकिन हमारे सिचुएशन जो था। लिसा एक अच्छी लड़की है फेलिक्स। आप घबराइए मत, मैं उनको अच्छी तरह से देख लूंगा। शादी बहुत हाईफाई टाइप का नहीं होगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं। अभी आप उनको मेरे हाथ में सौंप दीजिए, मैं सीधा एयरपोर्ट जाकर दुबई चला जाऊंगा। उतना भी नहीं चाहिए। कुछ भी दो, पूरी खाती नहीं है। हनु इधर बैठी है क्या? आप इसको भी जरा खाइए। आज हम लंच बाहर खाएंगे। तो डिनर? वो तो पक्का बाहर ही खाएंगे। कौन है बापू? मालूम नहीं। आपने मुझे बताया था ना मैं इधर होगा तो गेस्ट नहीं आएगा। मैं जरा चेक करता हूँ। हाँ, वेलकम वेलकम। आपने बताया ही नहीं आ रहे। आपको फिर से देखने में बहुत खुशी है। मुझे भी। मेरी छोटी बहन शादी करने वाली है। बहुत अच्छी बात है। ज्यादा बातें करने से पहले मेरे को और एक किरदार से पहचान करवाना है। अनु आजा। आपको मालूम है ये कौन है? पता है, अनुपमा, आपकी बेटी जो बोर्डिंग स्कूल में है। एग्जैक्टली, कल वापस जा रही है। यहाँ ना, मुझे पता है, हम दोनों जाने के बाद पापा से ही पूछ लो, ठीक है? इनविटेशन सब मिल गया, पहला कार्ड आपको ही देना था हमें, आप हमारा ईश्वर जो है इसलिए। हे भगवान। देना। मुझे आशीर्वाद कीजिए सर। भगवान आपको सलामत रखे। अनु को भी साथ ले जाना। हाँ, जरूर। अनु तुम्हें भी आना है, ठीक है? ओके सर, बाद में मिलते हैं। और एक बात, परसों रोज से शादी खत्म होते तक, दूल्हा दुल्हन को ले जाते तक 24 घंटे के मोहलत के लिए मुझे और मेरी गाड़ी को मैं समर्पण करता हूँ। डायना, सैनोरो में जो भी है सबको बुलाना। हम वही जा रहे हैं अभी। ओके फाइन, गुड लक। मनु, ये क्या है यार, एक एड के लिए कितना बिल?
और ये एड में लड़की लोग ये कॉस्ट्यूम्स पहने ही नहीं है। हीरोइन और उसकी 12 सहेलियां, 7 बार उन्होंने कॉस्ट्यूम चेंज की, मैं क्या करूं? तू ये बंद करवाएंगे तब मैं किसी को कपड़ा पहनने ही नहीं दूंगा। आओ आओ आओ। नमस्ते आकाश जी। दुल्हन जरा आना। हम इनवाइट करने के लिए आए हैं। आप सबको आना है, हमें और कोई नहीं है इनवाइट करने के लिए। कितने दिन पहले आना वो जरा बताना। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर। भगवान तेरे को सलामत रखे, मेरे हर आशीर्वाद और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। कोई नहीं है वो चिंता नहीं चाहिए, हम सब है तुम्हारे साथ। थैंक यू आकाश जी। वो टेक्सटाइल फेड के वॉरियर सर किरण अशोक यही कहीं होगा, उनको भी जरा बुला लेना। हाँ ठीक है। शाजी भैया, कल से दूल्हा दुल्हन जाते वक्त तक मैं उधर ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, सी यू सून। ठीक है, थैंक यू। बड़े अच्छी लड़की लोग हैं ना बड़े साहब। किसने बोला मुझे शुगर है? हाँ, सर आहा। सर इस संडे इसकी शादी होने वाली अच्छा। है। हमें और कोई नहीं है इनवाइट करने के लिए, आप सब लोग आकर इसको आशीर्वाद कीजिएगा। या प्लीज डू कम। हाँ हम तीनों आ जाएंगे। oh. और उसके बाद जो भी चाहिए मुझसे बता देना। वो जो भी हो। ठीक है, थैंक्स सर। ओके बाय। सबको इनवाइट किया है हम दोनों ने, सिर्फ दो जन बाकी है अभी। वो लोग कौन है दीदी? हे बुद्धू, माँ और पप्पा। पापा? माँ? आगे इधर आओ। इनविटेशन पूरा प्रिंट हो गया है तो मैंने सोचा कि आप दोनों को भी दिखा दूं। अब जिंदगी में वो जहर मैं हाथ से नहीं छूऊंगा बेटा। मैं भी। मुझे पता है, लेकिन एक कोर्स कंप्लीट करना है। फादर ने पहले स्ट्रिक्टली बोला था शादी के लिए सिर्फ तुम दो। उसके बारे में आप घबराइए मत पापा, सिर्फ आप दोनों को आशीर्वाद चाहिए हमें। शादी के लिए चर्च पहुंचना है, उसके बाद तुरंत आपको यहाँ ड्रॉप करेंगे। इसके बाद आप दोनों को कभी शराब नहीं पीना है। आपको भी हमारे साथ ही रहना है माँ, तो क्यों अकेले रहना है? आप घबराइए मत माँ, मैं हूँ ना। जाती हूँ। हम जाते हैं पापा, तबीयत को ख्याल रखना। ठीक है पापा। ठीक है, चलो चलो। मेरी बेटी को कहने के लिए कैसे है आपके पापा और मम्मी? बहुत इम्प्रूवमेंट है फादर, थैंक यू सो मच। आजकल इस जमाने के सबसे बड़ा जहर दारू है, आजकल महिलाएं भी इसकी कैद में हैं। बहुत कुछ भूलने के लिए है फादर, हम ये सब करते हैं। बहुत सारे महिलाएं हमसे बोले हैं जो भी हो जिंदगी में आप कभी उस रास्ते में सोचना नहीं। थैंक यू सो मच फादर, भगवान के आशीर्वाद आपके साथ। थैंक यू, चलो। थोड़ा बहुत हो चुका है, फेलिक्स को एक कार दिखाना है। हाँ वो कल हो जाएगा। अच्छा हाँ मैं आ जाती हूँ। क्या हुआ है दीदी? गुरुजी को मिलना है अभी। आप दोनों के बीच में कुछ? चीची क्या बात कर रही है तू, इसके ज्यादा क्या काम हो सकता है? थप्पड़ मारूंगी, चुपचाप आ जा, बहुत काम है अभी। कुछ सोना कुछ कैश, अगर आप घर पे होते तो मैं वहाँ आके देता। ये करिश्मा के घर में बहुत सारे प्रोपेगेंडास होंगे, इसीलिए आपको इधर बुलवाया। आप लीजिए,
हाँ घबराइए मत, इस सब का हिसाब रहेगा। आप गलत नहीं समझने का, आपकी बहन बड़ी अकाउंटेंट है। कुछ पीने के लिए? कॉफी। हाँ लेकिन खुद ही बना लेना, मेरे को भी चाहिए एक। चलिए उधर है किचन, जाइए। अगर कोई कमी है तो बताना, ठीक कर दूंगा एकदम पक्का। सर आपको मेरी दीदी पसंद है क्या? इसको पसंद नहीं बोलते, एक तरह का सम्मान के साथ। हाँ। सिर्फ अच्छा ही नजर आती है इस लड़की के मन में। तो दीदी को? कुछ खुल के बताने वाली कैरेक्टर नहीं है ना, लेकिन बर्ताव में कुछ पता चलता है। लेकिन खुल के बोलने में मेरे को भी एक प्रॉब्लम है, मैं तो बीवी के बिना बेटी के साथ ऐसे। यही बस है सर, बाकी को मैं देख लूंगी। इस टेंशन में शादी के बीच में कुछ नहीं बोलना, सावधान से। जब तूने शादी के बारे में बताया थोड़ा सा डर लगा, इस फील्ड के लड़कियां कैसे शादी कर सकते हैं? तुझे और गुरुजी को देखकर मेरा सब डर निकल गया है दीदी। ये सब एक प्रोफेशन है लीजा, हमें सिर्फ हमारा ख्याल रखना है, एस्पेशली गर्ल्स। जब भी मैं शादी के बारे में सोचती हूँ ना, तब मैं एक ही बच्चे के बारे में सोचती हूँ, मगर मालूम है आप क्या सोच रही हूँ? जरूर दो बच्चे होने चाहिए, ठीक हमारे जैसे, है ना दीदी? हाँ जरूर चाहिए, उसमें और कंपैरिजन नहीं है। कौन है दीदी? आकाश सर स्टूडियो से। हेलो आकाश सर। ओके हाँ मैं आ जाऊंगी। ओके बाय। क्या बात है? कल मुझे स्टूडियो जाना है। कुछ नया प्रोजेक्ट है क्या? हाँ मुझे नहीं लग रहा है, और कोई बात है शायद। मुझे लग रहा है कि वो हमें पैसे देने वाला है। सोचा था कि हमारे लिए कोई नहीं है, मगर अब तो ज्यादा लोग है ना। यू आर अ वेरी लकी गर्ल लीजा, भगवान हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा। समझना, बीच में लिसा किसी भी काम के लिए तैयार था, उस बीच कहीं लड़के लोग ये काम करवाया। भगवान कसम मेरे को ये मालूम नहीं था। नहीं आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो अभी? आकाश जी प्लीज बोल दीजिए। मेरे टाइम खराब था जब मैं किरण और अशोक के साथ दोस्ती पकड़ा, वो लोग मेरा बहुत मदद भी किया है, मानता हूँ मैं। आपको मालूम नहीं है मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एक बड़ा अमाउंट मेरे को लोन में है, इसीलिए इस स्टूडियो का एक पार्टनरशिप उनका भी है, अब मेरा सर उनके पैर के नीचे है। आप मुझे ये सब क्यों बोल रहा है? हम उनको कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, उनका बड़ा सोर्स है। तुम्हारा आज का ये स्टेटस का कारण उनका दिया गया हैंडलूम्स की एड है। पापा और माँ अभी डीए एडिक्शन सेंटर में है, वहाँ सिर्फ मैं हूँ सब कुछ करने के लिए, आप बात क्या है वो बोल दीजिए। लीसा की वीडियो क्लिप्स और फोटोज वो आपको देंगे, लेकिन। लेकिन क्या?
गुरुजी है साइलेंट। हेलो सर। हाँ कार्तिका, प्रताप बोल रहा हूँ। यस सर, कार्तिका हूँ। शादी करवाने के बाद बहन थक के सो गई क्या? फोन स्विच ऑफ भी है। वो यहाँ नहीं है सर। उधर नहीं है क्या? नहीं, वो शादी के बाद यहाँ वापस नहीं आई। तो फिर कहाँ गया? लीजा फेलिक्स के साथ चली गई। बोल रही थी कि मम्मी और पापा को डी एडिक्शन सेंटर में वापस ड्रॉप करना है। डॉक्टर ने बोला है कि उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, या फिर शायद वो वापस घर चली गई। लेकिन वहाँ कोई नहीं है ना? हाँ वो सच है, वहाँ कोई नहीं है ना। या फिर फेलिक्स के घर में? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाकर देखती हूँ सर। नहीं मैं जाऊँगा। एमरजेंसी क्या है सर? वर्क के बारे में है क्या? वो सब है। आपकी डायरा रेडी है तो सिंपल से और एक पार्टी। हमें सब कुछ पता है सर, वो तो कब से रेडी है। अनुपमा को वो पसंद आएगी यही डाउट थी। हम भी डिस्कस किए हैं, बेटी को बहुत पसंद है, हाँ भी बोल दी। ईश्वर जो है सर। आप जैसे देविया जब है, भगवान को तो होना ही पड़ेगा ना। लोगों को सिर्फ हमारी बुराई करना पसंद है, सिर्फ आप हैं सर जो। हे रोना मत। हेलो, डायना, डायना, दरवाजा सब खोल के ये कहाँ गई है? सही जा रहा था ना डायना? तुमको स्वीकार करने के लिए मेरी बेटी भी तैयार था। Give myself.
My soul is for